सब्सक्राइब करें मेरे चैनल प्रियेश गेट प्रिपरेशन ऑनलाइन को और बेल आइकन दबाएं और अपडेट रहें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि आखिरी के 3 से 4 महीने में कैसी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, उसके लिए हम फिर से अर्शदीप से पूछेंगे और जानेंगे कि इन्होंने अपने 3 से 4 महीने जो आखिरी थे इनके, उनमें इन्होंने क्या किया था। सो वेलकम बैक टू माई चैनल। सो अभी मैं जानना चाहूंगा गेट के पहले, मतलब गेट के 3-4 महीने पहले क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, कैसे अप्रोच करना चाहिए गेट के लिए। देखिए, गेट के आप जो लास्ट 3 मंथ्स हैं उसमें आपको पहले तो अपने नोट्स रिवाइज करने चाहिए, फिर से जो अपने शॉर्ट नोट्स हमेशा बनाए होंगे हर बच्चे ने जैसे, तो उसको रिवाइज करें, फिर अपनी टेस्ट सीरीज में लग जाएं, जितने भी टेस्ट हैं वो, और सबसे जरूरी है फुल टेस्ट हमेशा आखिरी के मंथ में, 1.5 मंथ में, आखिरी के मंथ में कर लो, पूरे फुल टेस्ट देने बहुत ज़रूरी है। उससे आप इवेल्यूएट कर पाओगे कि आपके कितने, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, कैसा आपकी तैयारी है, क्योंकि फुल टेस्ट में सारा सिलेबस आएगा। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में आप ठीक है इंडिविजुअल सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हो, पर जो फुल टेस्ट है उससे आपकी फुल इवेल्यूएशन हो जाएगी। जैसे प्रिकॉशन रखने की बात करी है तो आखिरी के 1 महीने में तो आपको अच्छी डाइट अपनी रखनी चाहिए ताकि बीमार ना हो जाए, क्योंकि एक एक दिन आपका बहुत प्रीशियस है, इसलिए उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए, कहीं बीमार ना हो जाओ तो उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए और टेस्ट देते रहना चाहिए साथ साथ। कई लोगों को आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मोबाइल से हटके नहीं रह सकते, तो आप क्या प्रेफर करेंगे कि वो अपने विल को मतलब रखें कि हमको नहीं छूना है या फिर कोई बात नहीं, आप कैसे मानते हैं। देखो, आप बच्चे को यही देखना चाहिए कि ये 1 साल है, आपने 1 साल में ये पढ़ लिए, आपने जो भी डिस्ट्रैक्शन है आसपास नहीं रखी, तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। बाद में जितने मर्जी मोबाइल खरीदते रहना, चलाते रहना, इसीलिए 1 महीना, आखिरी के 1 महीने तो बिल्कुल ही मत ज़्यादा करिए, और पूरे 1 ही साल है, सारी ज़िंदगी अपने इंजॉय करना है, इसलिए थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन से तो आप दूर रह सकते हो इतने अपनी फ्यूचर के कॉस्ट पे, अपने जॉब के कॉस्ट पे। और एक और बात है, जैसा मैंने फील किया था तो मैं उनसे पूछना, कई बार आप जैसे आप काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं तो जैसे गेट नज़दीक आने लगता है ना, पेरेंट्स हुए या पड़ोसी हुए ये बोलना शुरू करते हैं बेटा ये पढ़ ले, बेटा ये कर ले, फलाना आदमी का बेटा ये पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है, तो आप मतलब इतनी नेगेटिविटी हुई या इतने सजेशन आते हैं, तो आप क्या मानते हैं कैसे इन सब को टैकल किया जाए। देखिए, जब ये कॉमन है जैसे टेस्ट सीरीज में नंबर कम आए फुल टेस्ट में, तो बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं, ज़्यादा आ जाएँ तो ओवर मोटिवेट भी हो जाते हैं, तो इसलिए ये चीज़ नहीं होनी चाहिए आपके लिए, क्योंकि ये आपके लिए सारा डेंजरस है। सिंपल रहें, काम रहें, नंबर ज़्यादा भी आ रहे हैं कम भी आ रहे हैं कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि ये वो 3 घंटे डिसाइड करेंगे कि आपको कैसा है, किससे आप आगे जा रहे हो, किससे आप नीचे जा रहे हो। अगर आप एक एक क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के एक एक क्वेश्चन को आप, जो भी मिस्टेक हो रही है उसको आप इवेल्यूएट कर लें, उसमें सुधार ला लें, जैसे मैंने पिछले में बोला था कि इम्प्रूवमेंट इज की टू सक्सेस, इम्प्रूव करते जाइए एक एक क्वेश्चन जो भी है, उसको ध्यान दीजिए, उस पर अपना फोकस रखिए, उसको ठीक करिए और आगे बढ़ते जाइए, और आसपास के ध्यान मत दें। बाद में बार एक और बात, मतलब जैसा मैंने फील किया था कि आप टेस्ट सीरीज देते हैं तो आपके मार्क्स हो सकता है आपके फ्रेंड से 2 मार्क्स ज़्यादा आए या 2 मार्क्स कम है, वैसे प्रेशर को आप मतलब कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ना जाते हुए भी कंपैरिजन के एक ऐसे बाउंडर में फंस जाते हैं जिसे निकलना मुश्किल है, तो आप क्या मानते हैं कैसे। यही है कि बस ये इसी से दूर रहें, यही डीमोटिवेट मोटिवेट कर देता है, और सारे साल की अच्छी मेहनत की होती है और जनवरी में ये कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं और डूब जाते हैं। बहुत ही कंटेस्टेंट देखे हैं जैसे वो गलतियाँ कर जाते हैं और वहाँ पेपर में नर्वस होते हैं कि उनको लगता है कि उनमें तो अच्छा किया होगा ये क्वेश्चन ये वो, पर हर का एक इंडिविजुअल होता है, सब पे अपना प्रेशर होता है, तो उस पे बेस्ट देने के लिए कुछ ना देखें, अपने पे फोकस करें। और कई बार क्या होता है जैसे लड़का 1 साल या 1.5 साल से प्रिपेयर कर रहा होता है, तो जैसे फरवरी में एग्जाम होती है तो जनवरी मीट से उसको मतलब एक ऐसी परेशानी सी हो जाती है कि छोड़ो अब क्या पढ़ना, अब तो हो गया होगा, अब तो हम कुछ नहीं बिगड़ने वाला, या अगर बिगड़ना होगा तो मतलब इस तरह से थक जाते हैं, तो आप क्या मानते हैं कैसे इस मेंटेलिटी को आप कैसे ओवरकम करें। यही दूसरा वाला केस है जो ओवर मोटिवेट हो जाते हैं, मान लो पहले 15 दिन उन्होंने टेस्ट दिया जनवरी के, उनके नंबर आ रहे हैं 70 या मान लो जितने भी ज़्यादा कोई भी स्ट्रीम के इरेलेवेंट मतलब ज़्यादा आ रहे हैं, रैंक 50 में 100 में आ रहा है, ओवर मोटिवेट हो जाते हैं और वो क्या कहते हैं कि चलो छोड़ो अब तो आता ही है सब कुछ, क्या ही करेंगे तैयारी करके, इसलिए ये भी गलत है। वही दोनों चीज़ डीमोटिवेशन और ओवर मोटिवेशन दोनों ही
डूब के। और जैसे कई मेरे मेरे फ्रेंड्स थे, उन लोगों ने क्या किया ना, अब मतलब जैसे 3-4 महीने हो गए तो अपने को रूम में बंद कर दिया और कहीं बाहर नहीं जाना, कहीं घूमने नहीं जाना, मतलब इतना ज्यादा सीरियस हो के पता नहीं क्या उन्होंने कर लिया। आप मानते हैं कि ऐसी मेंटेलिटी होना जरूरी है या फिर ये एक गलत स्ट्रेटेजी है? देखिए, फ्रेश एयर जरूर लेनी चाहिए हमेशा, 1 घंटा आधा घंटा वॉक करनी चाहिए। एग्ज़ाम के साथ साथ टेस्ट दीजिए, तभी आप रिलैक्स हो पाओगे, नहीं तो आप वही एग्ज़ाम वाली फील में रहते जाओगे और टेंस होते जाओगे। इसलिए टेस्ट दीजिए, उसको इवेल्युएट कीजिए और अपना इंजॉय बाहर करिए, अपना वॉक करके आइए, म्यूज़िक सुनिए, जो भी आपको अच्छी चीज़ लगती है, सिंपल स्मूदिंग सिंपल करिए। और जैसे कुछ एक मेरे दोस्त थे, उन्होंने क्या क्या हुआ कि जैसे ही गेट नजदीक आ गया, उनके पूजा के घंटे बढ़ने लग गए, क्योंकि वो भगवान की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होने लग गए कि भगवान हमें दे दे। तो आप मतलब कैसे मानते हैं कि ये जरूरी है या मतलब एक एक वीकनेस ऑफ माइंड है? देखिए, भगवान उन्हीं को देता है जिनकी मेहनत पूरी होती है, इसलिए मेहनत कीजिए, भगवान अपने आप सब कुछ दे देता है। इसलिए सिर्फ मेहनत पे ध्यान दीजिए, पूजा आप करते रहिए, ठीक है, आपका वो आपका आस्तिक है वो, मतलब आपका मैटर है जो ठीक है, पर रिलीजियस मैटर ठीक है, पर आप मेहनत ही फल देती है ये। और ओवर स्टडी मतलब 24 घंटे पढ़ूंगा ऐसे पागल हो जाना, ये भी जरूरी है या फिर ठीक है आपको पता होना चाहिए कि वेयर आर यू गोइंग? ठीक, 24 घंटे तो क्या ही, इतना पढ़ के क्या ही है, मतलब अपना जितना क्लियर हो गया उतना करिए, बस थोड़ा सा पढ़िए, टेस्ट दीजिए, रिलैक्स कीजिए, रिवाइज कर लीजिए गलतियाँ, और जो बचा है वो भी रिवाइज करके बस सो जाइए, ज़्यादा तो नहीं। जहां तक मुझे लग रहा है इस डिस्कशन से, 2-3 बातें मेरे को लगती है कि आपको अपना देखना है, बाहर क्या हो रहा है वो नहीं देखना, आपको अपने आप को फालतू में रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, सोशल मीडिया से आपको रिस्ट्रिक्ट करना है क्योंकि वहां से नेगेटिविटी का आने के काफी चांसेस रहते हैं, और दूसरी बात कि आप बीमार नहीं हो सकते, और एक और बात जो इन्होंने बोला, पूजा पाठ करिए लेकिन ये मत सोचिए कि खाली भगवान ही आपका बेड़ा पार लगवाएंगे, आपको मेहनत तो उतनी ही करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपको काफी फायदा हुआ होगा और आपको अपनी स्ट्रेटेजी पता चलेगी। तो थैंक यू।